वेलकम टू माय चैनल ट्रांसफॉर्म एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने वाले सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस का चैप्टर नंबर 2, सोर्सेस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस। सोर्सेस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस में जो फर्स्ट टॉपिक है जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले, उसका नाम है सोर्सेस ऑफ फाइनेंस बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ कैपिटल। तो सोर्सेस मतलब होता है जरिया एंड फाइनेंस मतलब होता है पैसा। तो कंपनी को स्टार्ट करने के लिए जो भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, वो कैपिटल किन जरिए से कंपनी को मिलता है, इसी के बारे में हम लोगों को आज डिस्कस करना है। तो जो कंपनी का कैपिटल होता है, इस कैपिटल को कंपनी ने दो टाइप्स में डिवाइड की गई है, जिसमें से फर्स्ट टाइप है ऑन कैपिटल। ऑन कैपिटल मींस होता है कंपनी का खुद का कैपिटल, जिसको कंपनी अपने ऑनर से ही कलेक्ट करती है, इसीलिए इसको ऑन कैपिटल कहा गया। ऑन कैपिटल ये परमानेंट कैपिटल होता है कंपनी का, और जब कंपनी वाइंडिंग अप होती है, मींस क्लोज हो जाती है, उस वक्त कंपनी अपने ऑनर्स को उनका पैसा रिटर्न करती है। तो ऑन कैपिटल को भी कुछ पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड किया गया है। जैसे कि ऑन कैपिटल को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट शेयर्स, सेकेंड रिटेन प्रॉफिट। शेयर्स को भी हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया है, फर्स्ट इक्विटी शेयर्स एंड सेकेंड प्रेफरेंस शेयर्स। इसके बाद कंपनी ने सेकेंड टाइप्स ऑफ कैपिटल इशू करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं बोरोड कैपिटल। जैसे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, बहुत लार्ज स्केल पर काम करती है, जिसके थ्रू सिर्फ ऑन कैपिटल से इनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती है, इसी वजह से उन लोगों को बोरोड कैपिटल की ओर जाना होता है। बोरोड कैपिटल मींस कि कंपनी किसी से भी पैसा लोन के थ्रू या उधार के थ्रू लेती है। ये कंपनी के ऊपर एक टाइप का कर्जा होता है, जिसको कंपनी को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उनका पैसा विद इंटरेस्ट के साथ उनको रिटर्न देना होता है। तो देखते हैं कि कंपनी कौन कौन से सिक्योरिटीज को इशू कर बोरोड कैपिटल कलेक्ट करती है। फर्स्ट डेबेंचर्स, सेकेंड पब्लिक डिपॉजिट, थर्ड बॉन्ड्स, फोर्थ एडीआर एंड जेडीआर, फिफ्थ बैंक, सिक्स्थ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड लास्ट ट्रेड क्रेडिट। इन सब सिक्योरिटीज को इश्यू कर कंपनी बोरोड कैपिटल को कलेक्ट करती है। अभी यहाँ पर हम लोग ने ऑन कैपिटल के कुछ टाइप्स देखे, बोरोड कैपिटल के कुछ टाइप्स देखे। इनमें जो भी टॉपिक्स हमको दिख रहे, ये सब टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ईच एंड एवरी टॉपिक्स को मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा हमारे आने वाले कुछ नेक्स्ट वीडियोस में। तो आज हम लोग ऑन कैपिटल में से सिर्फ शेयर्स के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। तो शेयर्स के रिगार्डिंग डिस्कस करने के लिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज शेयर्स एंड स्टेट इट्स फीचर्स। मतलब शेयर्स क्या है और उसके फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो हम लोग फर्स्ट जानते हैं कि शेयर्स का मतलब क्या होता है। शेयर्स मींस ऑनरशिप। हम लोग किसी भी कंपनी को सम अमाउंट पे करके उस कंपनी के ऑनरशिप को परचेस कर सकते हैं। अभी ऑनरशिप परचेस करने का फायदा क्या होता है, अगर हम लोगों ने किसी कंपनी के ऑनरशिप को परचेस कर लिया और ऑनरशिप परचेस करने के बाद उस कंपनी को कुछ प्रॉफिट्स होता है, तो हम लोगों को उस प्रॉफिट में ऑनरशिप मिलेगी, मतलब हिस्सेदारी मिलेगी
वो प्रॉफिट को उन लोग स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर कर हम लोगों को दे देंगे, और उसी पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। ओके, इसको और डिटेल में जानने के लिए हम लोग हमारे टेक्स्ट बुक में कुछ डेफिनेशंस और उसके मीनिंग्स दिए जिसको हम लोगों को पढ़ना होगा। तो फर्स्ट डेफिनेशन दिया है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, शेयर मीन्स और शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक, मीन्स जो कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल होता है उसको कंपनी एक स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड करती है, और उसी स्मॉल यूनिट्स को हम लोग शेयर्स बोलते हैं, और उन स्मॉल यूनिट्स में शेयर्स को डिवाइड करने के बाद उसकी जो वैल्यू डिसाइड की जाती है उन्हीं वैल्यू को हम लोग फेस वैल्यू कहते हैं। क्लियर? जैसे यहाँ पे लिखा है, शेयर इज अ यूनिट बाय विच द शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड, द टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड शेयर्स एंड द वैल्यू ऑफ ईच पार्ट और यूनिट इज नोन एज फेस वैल्यू। शेयर इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ कैपिटल ऑफ अ कंपनी, मीन्स जो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि शेयर्स एक शेयर कैपिटल का स्मॉल यूनिट होता है, और उन्हीं स्मॉल यूनिट्स को हम लोग शेयर्स बोलते हैं, और उसकी जो वैल्यू डिसाइड की जाती है उसे हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू। अभी यहाँ पे कोई भी पर्सन अपने कैपेसिटी के हिसाब से कितने भी शेयर्स कंपनी के खरीद सकता है, और जो भी पर्सन कंपनी के शेयर्स खरीदेगा उसे हम लोग शेयर होल्डर या फिर मेंबर ऑफ द कंपनी बोलते हैं। अ पर्सन कैन परचेस एनी नंबर ऑफ शेयर्स एज ही विशेस। अ पर्सन हु परचेस शेयर्स ऑफ अ कंपनी इज नोन एज शेयर होल्डर और अ मेंबर ऑफ दैट कंपनी। ओके, यहाँ पे आप लोगों को डेफिनेशन और मीनिंग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट पॉइंट, फीचर्स ऑफ शेयर्स। फीचर्स ऑफ शेयर्स में हम लोगों का सबसे पहला पॉइंट मीनिंग। जैसे कि मीनिंग जस्ट हम लोगों ने अभी रीड आउट किया था, शेयर इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट इन द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। ये शेयर्स मीन्स क्या होता है कि कंपनी का जो टोटल शेयर कैपिटल होता है उसका एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, और उसी यूनिट को हम लोग शेयर्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ऑनरशिप। द ऑनर ऑफ शेयर्स इज कॉल्ड शेयर होल्डर। जो कंपनी का ऑनर होता है उस ऑनर को हम लोग शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है डिस्टिंक्टिव नंबर। ईच शेयर्स डिस्टिंक्ट नंबर फॉर आइडेंटिफिकेशन इट इज मेंशन इन द शेयर सर्टिफिकेट। हर एक शेयर्स को एक डिस्टिंक्ट नंबर दिया जाता है जिसके थ्रू हम लोग शेयर्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकें, और ये डिस्टिंक्ट नंबर हमारे शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को कॉलेज में आइडेंटिफाई करने के लिए जैसे कॉलेज आपको रोल नंबर प्रोवाइड करती है, उसी तरह शेयर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कंपनी डिस्टिंक्टिव नंबर प्रोवाइड करती है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट एविडेंस ऑफ, अगर हम लोगों ने किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदा है, उनको कुछ अमाउंट हम लोगों ने पे कर की है, तो उसके बदले में कंपनी हमको एक शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करती है। ये शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर जिस भी पर्सन का नाम लिखा होता है वो उस कंपनी का ऑनर होता है, और ये किसके थ्रू हम लोगों को पता चलता है, तो ये पता चलता है शेयर सर्टिफिकेट के थ्रू, और यही एक एविडेंस होता है कंपनी जो अपने शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू कंपनी को पता चलता है कि ये पर्सन हमारे कंपनी का ओनर है। नेक्स्ट पॉइंट वैल्यू ऑफ शेयर्स। शेयर्स की वैल्यू हम लोग मनी में डिराइव करते हैं, और ये वैल्यू तीन
तीन पार्ट में डिवाइड की गई है। इसमें से सबसे फर्स्ट पॉइंट फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मीन्स ऐसी वैल्यू जो कंपनी अपने शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर लिखती है, उस वैल्यू को हम लोग फेस वैल्यू कहते हैं। सेकेंड इशू प्राइस, कंपनी अपने शेयर्स को जब सेल करने निकलती है और सेल करते वक्त जिस प्राइस को डिसाइड करते हैं उस प्राइस को इशू प्राइस कहा जाता है। थर्ड मार्केट वैल्यू, कंपनी के शेयर्स की मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से जो प्राइस डिसाइड की जाती है उस प्राइस को हम लोग मार्केट वैल्यू कहते हैं। हमारा अभी नेक्स्ट पॉइंट राइट्स। जो भी कंपनी के शेयर्स खरीदता है वो कंपनी का ऑनर्स होता है और ऑनर्स को बहुत से राइट्स कंपनी प्रोवाइड करती है, उसमें से कुछ राइट्स के बारे में हम लोग डिस्कशन अभी करेंगे। सबसे पहला राइट्स रिसीव डिविडेंड। कंपनी को जब भी प्रॉफिट होता है तो कंपनी अपने ऑनर्स को डिविडेंड पे करती। सेकंड राइट टू अटेंड शेयर होल्डर्स मीटिंग। अभी जो कंपनी के शेयर्स खरीदता है वो कंपनी का शेयर होल्डर होता है और जो कंपनी का शेयर होल्डर होता है वही कंपनी का ऑनर होता है, तो ऑनर्स को ये सब राइट्स होते हैं कि कोई भी शेयर होल्डर से रिलेटेड अगर मीटिंग होगी तो उस मीटिंग को वो अटेंड कर सकता है। एंड नेक्स्ट राइट टू वोट। उस कंपनी की मीटिंग को अगर शेयर होल्डर ने अटेंड किया, वहां पे कोई टॉपिक्स के ऊपर अगर डिस्कशन होने के बाद वोटिंग करने की जरूरत होती है, तो उस वक्त शेयर होल्डर को एक और राइट है कि वो उसमें अपना वोट दे सकता है। ये सब राइट्स कंपनी शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट इनकम। जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी उस प्रॉफिट में से कुछ पार्ट शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करता है और उसी पार्ट को हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। यही डिविडेंड हमारे शेयर होल्डर की इनकम होती है। नेक्स्ट पॉइंट ट्रांसफरेबिलिटी। शेयर्स को हम लोग 1% टू अनदर पर्सन इजीली एंड क्विकली ट्रांसफर कर सकते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी अगर होती है तो ये शेयर्स फ्रीली 1% टू अनदर पर्सन ट्रांसफर हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर। शेयर्स इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ शेयर होल्डर। शेयर ये जो प्रॉपर्टी है ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस इजीली एंड क्विकली मूव हो जाती है। हमारा लास्ट पॉइंट काइंड्स ऑफ शेयर्स। काइंड्स मीन्स टाइप्स ऑफ शेयर्स। शेयर्स के दो टाइप है, फर्स्ट इक्विटी शेयर्स एंड सेकेंड प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है शेयर्स के। इक्विटी शेयर्स के ऊपर दिस ईयर बोर्ड में 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आकर गया, तो ये दोनों टॉपिक को हम लोग हमारे एक अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोनों टॉपिक के ऊपर एक एक सेपरेट वीडियो बनेगा जिसके अंदर हम लोग इसके रिगार्डिंग डिटेल में जाकर डिस्कशन करेंगे, जिसके थ्रू आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो जैसे कि हम लोगों ने ऑन कैपिटल और बोरोड कैपिटल जितने भी टॉपिक्स दिखे, हर एक टॉपिक के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो में उस टॉपिक से रिलेटेड में पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, जिसके थ्रू आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सके कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। इसके बाद ये जो चैप्टर मैंने डिसाइड किया, इस चैप्टर में एवरी क्वेश्चन हमारे लिए बोर्ड के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये जो वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इसका बेनिफिट आपको अभी इजीली लर्न करने के लिए तो होगा ही, बट जब एग्जाम हमारी नज़दीक आ जाएगी उस वक्त अगर आप लोग इस वीडियो को देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा और सेकेंड चैप्टर में से मैक्सिमम 20 टू 25 मार्क्स के क्वेश्चन एंड आंसर
हर साल बोर्ड में हम लोगों को पूछा जाता है, इसीलिए मैंने सबसे पहला इसी चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट किया। तो वेट करिए हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें हम लोग आपको टॉपिक बाय टॉपिक वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, ताकि इसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हो सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।